दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को एक महान बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले अंतिम और फाइनल वनडे मुकाबले के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने विराट कोहली और भारतीय टीम की प्लेइंग 11 को लेकर किया बड़ा खुलासा। रोहित शर्मा ने विराट कोहली पर कुछ ऐसा कह दिया जिससे कि पूरे क्रिकेट जगत में सनसनी मच गई है। आखिरकार क्या है रोहित शर्मा की इस फाइनल मुकाबले में किले फतह करने के लिए प्लेइंग 11 और इन्होंने विराट कोहली पर बड़ा बयान जारी किया है, ये सब तो हम आपको बताएंगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन है बेहतर बल्लेबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, अभी हाल ही में हुए भारत और इंग्लैंड के बीच में दूसरे T20 मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने हमारी टीम को हराकर अपना पिछला हिसाब चुकता कर लिया है और इस मुकाबले में सबसे बड़ी हाईलाइट रही विराट कोहली की बल्लेबाजी। पहले मुकाबले में ना खेलने के बाद इस मुकाबले में वापसी कर रहे विराट कोहली एक बार फिर से खराब फॉर्म के चलते वो सिर्फ 16 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद भारतीय टीम में इन्हें के बने रहने को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। ऐसे में सभी इनको भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में से बाहर करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन रोहित शर्मा ने इन पर से सारे प्रश्न चिन्ह को साफ करते हुए बड़ा बयान जारी किया। उन्होंने बताया कि विराट कोहली एक बड़े बल्लेबाज हैं और वो काफी लंबे समय से भारतीय टीम में खेल रहे हैं और क्रिकेट में हर खिलाड़ी की फॉर्म ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो एक अच्छे बल्लेबाज नहीं है या उनको खेलना नहीं आता। विराट कोहली दुनिया के महान बल्लेबाजों में से एक हैं और मुझे लगता है कि वो जल्द ही अपनी फॉर्म में वापस आ जाएंगे। इसके लिए उनको बस एक दो इनिंग की जरूरत है और इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि विराट कोहली को टीम में से बाहर करना एक बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी जिसको भारतीय टीम बिल्कुल भी नहीं करना चाहेगी। दोस्तों, ये था रोहित शर्मा का विराट कोहली पर बड़ा बयान। दोस्तों, भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले तीसरे एक दिवसीय मुकाबले को हर हाल में जीतना चाहेगी क्योंकि ये मुकाबला न केवल एक सीरीज का मुकाबला है बल्कि ये इस सीरीज का निर्णायक मुकाबला है। जो कि टीम इस मुकाबले को जीतेगी वो मुकाबले के साथ सीरीज पर भी कब्जा कर लेगी। दोस्तों, अब आपको बता दें कि इसके बाद उन्होंने इस निर्णायक मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 का ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने सबसे पहले प्लेइंग 11 में शिखर धवन को अपने साथ ओपनिंग के लिए रखा है और इसके बाद नंबर 3 और नंबर 4 पर रखा है विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव को। हालांकि इन दोनों बल्लेबाजों ने पिछले एक मुकाबले में ज्यादा खास प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन इस बार कप्तान रोहित शर्मा ने इनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद लगाई है। इसके अलावा नंबर 5 और नंबर 6 पर रहने वाले हैं ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या। इन दोनों बल्लेबाजों ने भी दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में ज्यादा रन नहीं बनाए थे, लेकिन इसलिए भारतीय टीम को अब इनसे इस बार तीसरे मुकाबले में शानदार रन बनाने की उम्मीद होगी। इसके अलावा अगर हम भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी की बात करें तो आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा और यजुवेंद्र चहल स्पिन गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे और वहीं प्रसिद्ध कृष्णा की जगह उमरान मलिक को रोहित शर्मा ने अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है। इसके अलावा उन्होंने मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह को पिछले मुकाबले की तरह इस मुकाबले में शामिल किया है क्योंकि इन दोनों ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की थी और इंग्लैंड की टीम को 250 रनों से भी कम के स्कोर पर समेट दिया था। तो दोस्तों, ये रहने वाली है तीसरे एक दिवसीय और निर्णायक मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11। वैसे दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि क्या विराट कोहली इस मुकाबले में शानदार रन बना पाएंगे या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।